गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू एस आर एस आई ए एस एंड लॉ अकेडमी तो जैसा कि आप सबको मॉर्निंग में जो आपका एग्ज़ाम था मॉक टेस्ट था वो सेंड कर दिया गया था तो अभी जो है हम उसकी एक्सप्लेशन देखेंगे तो आज का जो टेस्ट था वो आपके जो करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड था ठीक है तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे ही थे जो मैंने आपको करंट अफेयर्स में करवाए थे लेकिन कुछ क्वेश्चन जो मैंने जानबूझ के इंटेंशनली इस तरीके के डाले थे जो हमने कवर नहीं किए थे ठीक है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ आ सकते हैं ठीक है थीके? उनकी एसच उनके ऊपर कोई वीडियो ए सच बनाना पॉसिबल नहीं है और बेसिकली दो दो या तीन तीन मिनट की वीडियो बनाने का कोई ऐसा सच मतलब भी नहीं बनता ठीक है तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनकी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ ठीक है तो वो जो ऐसे क्वेश्चन हैं ना जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आपके एग्जाम में दिखेंगे मैं आपको बताता भी जाऊँगा साथ के साथ और उसके अलावा मैं आपको साथ में ये भी बताता जाऊँगा कि ये वाला जो क्वेश्चन था ये कौन से वाले करंट अफेयर में हमने कवर किया था ठीक है तो वो जो दूसरे वाले क्वेश्चंस हैं ना जो आप आपने कवर नहीं किए हुए हैं ठीक है तो उनको आप एज़ इट इज़ नोट डाउन कर लेना ठीक है अपने करंट अफेयर्स में नोट डाउन कर लेना और तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ़र्स्ट क्वेश्चन है मेजोरिटी ऑफ एबॉर्शंस इन द वर्ल्ड टेक प्लेस बिटवीन तो ये जो अबॉर्शन वाला क्वेश्चन था हमारा ये हमारा था जो हमने किया था ना सबसे पहले जो हमने क्लास लगाई थी इस मंथ में जो हमारी फर्स्ट क्लास थी इसकी करंट अफेयर्स की तो उसमें मैंने बताया था कि हमने देखा था कि जो अबॉर्शन है राइट टू अबॉर्शन है यूएस में उसको फंडामेंटल uh, राइट right अब वो नहीं रहा है ठीक है तो जो कुछ स्टेट्स हैं इसकी यूनाइटेड स्टेट्स की अब वो उसको इलीगल घोषित कर देंगी ठीक है तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये उससे बनता था उसके अलावा आज की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि करंट और जो आपका स्टैटिक पार्ट होता है उसको किस तरीके से लिंक करना होता है ठीक है तो जो uh, इसका जो राइट right आंसर है वो है ए ठीक है ए टू ट्वेल्व वीक्स नेक्स्ट देखते हैं द फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पी क्यू एल आई कम्बाइन थ्री इंडिकेटर्स दे आर ऑप्शन ए इन्फेंट मोटेलिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड अडल्ट लिटरेसी रेट सेकेंड है क्राइम रेट क्लीन इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी ऑफ हाउसिंग थर्ड है एयर पॉल्यूशन रेट वाटर पॉल्यूशन रेट एंड सैनिटेशन फोर्थ है हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरमेंट तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एडल्ट लिटरेसी रेट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लोरीन इज यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट द ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू Uh, ये जो आपकी क्लोरीन वाली जो uh, क्लोरीन वाला जो क्वेश्चन है ये आपका आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है अगर आपको याद हो तो हमने एक करंट अफेयर किया था जिसमें हमने देखा था कि uh, क्लोरीन जो है वो लीक कर गई थी uh, क्लोरीन का जो uh, सारा टैंकर था वो फट गया था ठीक है कहाँ पे जॉर्डन में तो उसके बारे में था ये करंट अफेयर तो ये क, uh, जो आपका क्वेश्चन बनता था ये वहीं से बनता है ठीक है तो जो क्लोरीन इज़ यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट द एजेंट एक्शन इज़ ड्यू टू ऑक्सीडेशन ठीक है तो जो क्वेश्चन नंबर थ्री है उसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है ऑक्सीडेशन नेक्स्ट देखते हैं द हार्मोन इंसुलिन हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है वैसे ये आपका जनरल साइंस का भी पार्ट है उसके अलावा हमने अगर आपको याद हो तो हमने एक न्यूज की थी बाइकॉन ब्राइबरी केस ठीक है उसमें हमने देखा था कि वो ट्रायल्स किस चीज़ के कर रहे थे इंसुलिन के ठीक है तो उस उस पॉइंट पे मैंने आपको इंसुलिन के बारे में बताया था ये किस लिए होती है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल uh, सोर्स uh, से हम इंसुलिन लेते हैं ठीक है थीके? जिन लोगों को शुगर हो जाती है ना डायबिटीज़ uh, हो जाती है उनकी जो पैंक्रियाज होती है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है ठीक है तो उसके लिए उनको बाहर से इंसुलिन uh, दी जाती है ठीक है तो ये क्वेश्चन वहाँ से था तो जो इसका राइट right आंसर है वो है ब्लड शुगर ठीक है किसको दी जाती है इंसुलिन ब्लड शुगर के पेशेंट को और वो जो बाइकॉन ब्राइबरी केस था उसमें भी हमने देखा था कि उन्होंने एक इंसुलिन बनाई थी और जिसके ट्रायल्स उन्होंने कंडक्ट नहीं करवाए थर्ड ट्रायल को मिस कर दिया था उन्होंने नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ठीक है ये वाला जो क्वेश्चन है ना अगर आपको याद हो हमने किया था ब्लैक स्वान इवेंट ठीक है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा देश है हमारा देश नहीं बल्कि सभी देश का जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है ठीक तो है तो वो अपनी अपनी कंट्री पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो जिस वजह से क्या हुआ है हर देश में ना इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है और उसका मेन रीज़न क्या है ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है ठीक है तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स

जिसमें हमने किया था ना जी सेवन की मीटिंग होनी हु, थी कहाँ पे जर्मनी में और जर्मनी में हमें इनवाइट किया गया था ठीक है तो यहाँ से प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी वो गए थे ठीक है तो इसका कॉमन सेंस इस तरीके से निकल सकता था क्योंकि अभी जो सभी कंट्रीज़ है ना उनके लिए ख़तरा बना हुआ है चाइना क्योंकि ये बहुत जल्दी एक्सपेंड कर रहा है ठीक है और जो इसकी पॉलिसीज़ हैं वो बहुत खतरनाक है ठीक है तो जो हम आ, हमारे जितने भी ये इनिशिएटिव्स चल रहे हैं या दूसरी कंट्री या यू जितने भी इनिशिएटिव कर रहे हो तो वो किसी तरह से चाइना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हो रहे हैं ठीक है तो ये जी सेवन ग्रुप ने ये जो अनाउंस किया है ना सिक्स हंड्रेड बिलियन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन साइकिलिस्ट टू विन सिल्वर एट एशियन ट्रैक चैंपियनशिप ठीक है तो जो फर्स्ट इंडियन है वो है रोनल्डो ठीक है नेक्स्ट विच स्टेट हैज़ लॉन्च सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम ठीक है तो कौन सी स्टेट ने ये की है ये की है हिमाचल प्रदेश ने इसका बेसिकली uh, uh, मतलब ये है कि जो प्लास्टिक होगी ना उसको बाय बैक कर लिया जाएगा ठीक है वापस से खरीद लिया जाएगा किसके द्वारा सरकार के द्वारा नेक्स्ट देखते हैं हु हैज़ बिन री अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ रॉ ठीक है तो इनमें से किनको चीफ ऑफ रॉ जो है री अपॉइंट किया गया ऑप्शन ए अजीत डोबल ऑप्शन बी अनिल धमसाना ऑप्शन सी सामंत कुमार गोयल गोयल ऑप्शन डी राकेश अस्थाना ठीक है तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सामंत कुमार गोयल नेक्स्ट देखते हैं रिसेंटली यूएस ओवरटर्न विच लैंडमार्क जजमेंट डेट इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एन अबॉशन ठीक है तो ये बेसिकली हमने जो हमारी फर्स्ट न्यूज थी इस मंथ की जो फर्स्ट न्यूज थी ये उसी में कवर किया था तो वो कौन सी जजमेंट थी रो वज वेट ठीक है नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल ठीक है तो ये आपका वो जो 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी कहाँ पे चंडीगढ़ में तो उसमें जो ये क्वेश्चन वहाँ से बनता है ठीक है तो अब मीटिंग हुई है ना जीएसटी काउंसिल की तो उसके बारे में अब देखो स्टैटिक और उसको इसी तरीके से लिंक करना होता है देखो जीएसटी काउंसिल की फोर्टी मीटिंग होती है ठीक है तो उससे रिलेटेड जीएसटी का से रिलेटेड जो भी आपका स्टैटिक पार्ट बन जाता है ना वो इंपॉर्टेंट बन जाता है ठीक है तो देखते हैं क्या है ऑप्शन स्टेटमेंट देखते हैं द वोट ऑफ सेंटर हैज़ अ वेटेज ऑफ वन फोर्थ ठीक है तो वो कह रहा है कि जो सेंटर की वोट की वेटेज होती है वो वन फोर्थ होती है ठीक है तो वो वन फोर्थ नहीं होती नेक्स्ट uh, मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गई एवरी डिसीजन ऑफ जी एस टी काउंसिलज़ मेड मेजारिटी ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड वोट ठीक है तो इसमें टू थर्ड वोट की मेजॉरिटी नहीं होती uh, इसमें जो नॉर्मल मेजॉरिटी uh, होती है सिंपल मेजोरिटी होती है तो जो हमारा ऑप्शन दोनों थे वो इनकर uh, थे तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन डी नेक्स्ट विच ऑफ द, दिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग अजंता पेंटिंग्स तो ये जो आपकी अजंता पेंटिंग वाला जो आपका टॉपिक था ना ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था लेकिन अजंता पेंटिंग्स इनडायरेक्टली रिलेटेड थी हमारे जो हमने रीनेमिंग देखी थी ना औरंगाबाद को रीनेम करके संभाजी नगर किया जा रहा है ठीक है तो उसमें हमने पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था ठीक है क्योंकि जो दूसरा नगर था उस्मानाबाद उसका नाम भी चेंज किया जा रहा है और उस्मानाबाद में ऑलमोस्ट आई थिंक इलेवन या थर्टीन केव्स मिलती हैं ठीक है तो ये जो अजंता पेंटिंग्स हैं ये भी केव्स में मिली थी ठीक है तो इस वजह से ये अजंता पेंटिंग्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं नेक्स्ट देखते हैं Uh, क्या क्या है इसमें स्टेटमेंट वन मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स आर डन इन द डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चिज ठीक है तो ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है सेकेंड देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट द नेम ऑफ द आर्टिस्ट इज प्रिटेड इन दिस पेंटिंग ठीक है तो इसमें से ना किसी भी आर्टिस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ वहाँ पे ठीक है और वो नॉर्मली लोगों ने बनाई थी ना तो उस टाइम पे उन्होंने आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बनाई नहीं थी uh, जब हम मैंशन हिस्ट्री करते हैं तो मैं बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि उन्होंने बस जो देखा ना बस उसको बनाना शुरू कर दिया उन्होंने तो ऐसा सच आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई थी मतलब वो कोई एम एफ हुसैन नहीं थे या उन उनको अपनी वो नहीं करनी थी पब्लिसिटी नहीं करनी थी बस वो जो देखते थे वो भूले लोग थे जो देखते थे उसको बना देते थे ठीक है तो ऐसा कोई भी किसी भी आर्टिस्ट के वहाँ पे ना तो सिग्नेचर है ना कोई इमप्रिंट है ठीक है तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए वन ओनली नेक्स्ट देखते हैं मिनी ट्राइब बिलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ठीक है तो हमने संथाल ट्राइब के बारे में किया था ना तो उसके उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है मिनी ट्राइब बिलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ठीक है तो जो मिनी ट्राइब बिलोंग करता है वो करता है डी अरुणाचल प्रदेश से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन मॉडरेटर इज़ यूज टू अब ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन वाला जो क्वेश्चन है ये आपका रिलेटेड है उससे हमने देखा था ना कि यूरेनियम फाउंड किया गया कहाँ पे राजस्थान में ठीक है तो ये क्या होता है एक न्यूक्लियर मैटर होता है ठीक है तो uh, अब ये मॉडरेटर इसमें क्यों यूज़ किया जाता है उसके बारे में हमें बताना था ऑप्शन ए एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स ऑप्शन बी रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑप्शन सी एक्जलरेट द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स और ऑप्शन डी स्टॉप चेंज रिएक्शन तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द वि रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टमेंट इसके बारे में तो मैंने आपको डायरेक्ट वो बनाई थी uh, क्या कहते हैं क्लास लगाई थी मैंने इसके बारे में आई थिंक पिछले uh, संडे की क्लास आई थी ये वाली ठीक है तो उसमें यह क्वेश्चन जो था ये ऑलमोस्ट क्लियर ही होता है उसमें ठीक है तो क्वेश्चन क्या है द वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ एम एल ए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ठीक है तो ये हमने किया था कि हाँ यस स्टेट टू स्टेट वेरी तो करती है सेकेंड द वोट ऑफ एम पी ऑफ लोकसभा इज मोर देन दैल्यू द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एम पी ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एम पी ऑफ राज्यसभा ठीक है तो ये मैंने कराया था कि जो वोट ऑफ एम पी होती है ना वो uh, सबकी इक्वल होती है ठीक है चाहे वो राज्यसभा का हो या फिर लोकसभा का हो तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए वन ओनली ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ ठीक है तो हमने किया था ना एंथ्रैक्स डिजीज के बारे में किया था और कौन सी डिजीज़ थी बैक्टीरियल डिजीज थी ठीक थी, है तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ अ सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ मलेरिया पोलियो मम्स ठीक है तो पोलियो तो वायरस होता है ठीक है ये तो यहीं पे कट गया उसके अलावा मम्स कॉलरा टाइफॉइड मीजल ट्यूबरक्लोसिस टेटनस डी है प्लेग लेप्रोसी एंड डिप्थीरिया तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो ये तीनों है बैक्टीरियल डिजीज है प्लेग लेप्रोसी और डिप्थेरिया ठीक है विच ऑफ द विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी ठीक है तो ये याद रखना कि ये ना कर्नाटका है ठीक है इस इसमें जनरली क्वेश्चन बन जाता होता है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च रिसेंट रिपोर्ट टाइटल इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनमी ठीक है तो ये ऐसी जितनी भी ये जो रिपोर्ट्स आती है ना इंडियन इकोनोमी पे ये जनरली ये रिलीज करता है नीति आयोग ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नीति आयोग नेक्स्ट डॉक्टर वी कृष्णा मूर्ति पास्ड अवे रिसेंटली ही हैज ही वाज वेल नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है तो इनको फादर ऑफ इंडियन पी कहा जाता है ठीक है याद रखना हु हैज़ बीन रिसेंटली क्राउंड एज मिस इंडियन मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड टू ठीक है तो वो है खुशी पटेल नेक्स्ट कैपस्टोन मिशन इज इन न्यूज दीज डेज दिस मिशन इज रिलेटेड टू विच एजेंसी ये जो कैपस्टोन वाली वीडियो है ना ये मैंने अभी बनानी है ठीक है तो ये जो कैपस्टोन मिशन कैपस्टोन जो मिशन है ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा ठीक है नेक्स्ट हर्मिट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इट इज इट इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है तो ये जो हर्मिट है ये एक स्पाईवेयर है नेक्स्ट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द रैम्प स्कीम इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग इसके ऊपर भी मैंने uh, वीडियो बनानी है ठीक है तीन स्कीम्स हैं तीनों को डिस्कस करेंगे उनमें से एक रैम्प स्कीम है ठीक है ये रैम्प स्कीम है एम एस एम ई के बारे में नेक्स्ट रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द री नेमिंग ऑफ विच ऑफ द विच सिटी एज संभाजी नगर ठीक है थीके? तो ये तो हमने डायरेक्ट ही किया था कि ये जो औरंगाबाद है उसका नाम चेंज करके संभाजी नगर किया जा रहा है ठीक है और उस्मानाबाद है उसका नाम भी चेंज किया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं रिसेंटली ओलंपिक मेडलिस्ट वरेंद्र सिंह पासड अवे ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स ठीक है तो जो वरेंद्र सिंह थे जिनकी डेथ हुई है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट uh, करते थे तो वो है आपका हॉकी नेक्स्ट रिसेंटली 47 सेवन जी एस टी काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट फॉलोइंग सिटीज़ इन जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है तो ये जब मैं आपको करंट अफेयर्स करवा रहा था ना मैंने तभी करवाया था कि इसकी जो मीटिंग है वो चंडीगढ़ में हुई है ठीक है नेक्स्ट सीनियर एडवोकेट के वीना गोपाल विल कंटिन्यू एज अटर्नी जनरल फॉर इंडिया फॉर थ्री मोर मंथ्स ठीक है द द अटर्नी जनरल ऑफ 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 इंडिया इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स अब देखो अब यहां पे समझो कि जो करंट और जो आपका वो होता है ना उसको किस तरीके से लिंक करना होता है आपने ये जो नीचे वाला पार्ट है ठीक है ये आपने पढ़ा होगा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आ, इनको अपॉइंट करते हैं ठीक है थीके? और कौन से आर्टिकल के थ्रू करते हैं वो भी पता होगा ठीक है अब इन्होंने ऑप्शन इतने पास पास के दे दिए हैं कि ये जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है अब क्वेश्चंस को गैस किस तरीके से करना होता है अब रिसेंटली आपको पता है कि जो के के वीनुपाल है उनको अटर्नी जनरल बनाया जाएगा तीन तीन महीने के लिए वो और कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो ये तो आपका था करंट अफेयर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता था कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है ठीक है या ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि उनको अपॉइंट करता है ठीक है तो उस पर भी आपको चार ऑप्शन दिए जा सकते थे कि ये अपॉइंट करते हैं या ये अपॉइंट करते हैं ठीक है प्राइम मिनिस्टर करते हैं प्रेजिडेंट करते हैं स्पीकर करते हैं या वाइस प्रेजिडेंट करते हैं ठीक है तो इस तरीके से जो आपका करंट पार्ट था ना करंट पार्ट तो इतना ही था कि सीनियर जो एडवोकेट हैं के के वेणुगोपाल वो कंटिन्यू करेंगे अटर्नी जनरल ठीक है उससे रिलेटेड जो जो आपका बन सकता था आपको बस वो तैयार करना था ठीक है तो इस तरीके से आपको जो आपका करंट और स्टैटिक पार्ट होता है ना उसको लिंक करना होता है ठीक है तो जो ये अपॉइंट करते हैं ना प्रेजिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं वो होता है आर्टिकल सेवेंटी ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस ईच इन ऑल द फोर ग्लैंड स्लैम्स ठीक है तो ये कौन से प्लेयर हैं वो है नोवेक जोविक जोकोविक ठीक है इन्होंने 80 मैचेस लगातार जीते हैं ठीक है चारों ग्लैंड स्लैम्स में नेक्स्ट रिसेंटली बीन सोन एज सेवनटींथ प्रेजिडेंट ऑफ फिलिपींस ठीक है तो सेवनटीन जो प्रेजिडेंट है वो है फर्निनेड फर्डीनेंड मार्कोस जूनियर नेक्स्ट रीसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अनाउंस सेवनटी फाइव फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू सेलिब्रेट इंडिया 75th फिफ्थ ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है तो ये जो अनाउंस किया है ना ये यूके ने किया है ठीक है uh, उनके जो पुराने प्राइम uh, मिनिस्टर थे आई थिंक बोरिस करके उनका नाम है ठीक है तो रिसेंटली अभी उन्होंने आ, उनको हट, हटाया जा रहा है और ऐसी खबर है कि ए, इंडियन ओरिजिन के जो हैं वहां पे अब जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इंडियन ओरिजिन के होंगे ठीक है इसके इसके ऊपर भी न्यूज बनाएंगे हम नेक्स्ट रिसेंटली विच ऑफ द सक्सेसफुली क्रिएटेड आउट ऑफ सॉरी सक्सेसफुली कैरीड आउट ऑफ मेडन फ्लाइट ऑफ एन अनमैंड एयर एयरक्राफ्ट कॉल्ड ऑटोनमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ठीक है तो इसके ऊपर भी वीडियो आ, हमने बनानी है ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी आर डी ओ ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन श्रीलंका इसके ऊपर भी वीडियो हमने बनानी है असल में क्या हुआ है कि ये भी करंट और उससे लिंक करके न्यूज़ बनी है ठीक है क्वेश्चन बना है आपका रिसेंटली क्या हुआ है कि जो श्रीलंका के जो वहाँ पे ना बहुत घमासान सा चल रहा है वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है दोनों भाग ऐसी खबरें हैं कि दोनों भाग कंट्री छोड़ के भाग चुके हैं ठीक है और वहाँ पे लोगों ने उनके जो घर हैं उस पर कब्जा कर लिया है ठीक है उनके घरों से चीज़ें निकाल के खा रहे हैं उनके जो स्विमिंग पूल है वहाँ पे नहा रहे हैं ठीक है तो इस वजह से ये जो आपका श्रीलंका है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और उससे रिलेटेड कोई भी उसकी लॉन्गेस्ट रिवर होगी या कुछ भी हो गया ठीक है तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने बना दिया कि विच ऑफ विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका तो है महावैली ठीक है नेक्स्ट सुकरेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ठीक है तो वो है असम विच कंट्री हैज़ डिफीटेड डिफिटेड बाय जापान इन 1904 एंड 1905 ये आपका ना उसका स्टैटिक uh, जो आपका स्टैटिक हिस्ट्री है उसका पार्ट है असल में ये करंट में इस वजह से आ गया है क्योंकि रिसेंटली uh, क्या हुआ है कि जो uh, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेमियर हैं आई थिंक शिजो आबे है उनका नाम ठीक है uh, मेरे को ना लोगों के नाम याद नहीं रहते ठीक है तो इस वजह से अगर मैं नाम गड़बड़ कर जाऊँ ना तो आ, मतलब आप उस पर वो मत समझिएगा ठीक है तो मेरे को जनरली नाम याद नहीं रहते लोगों के तो आई थिंक शिंजो अभी है उनका नाम तो उनकी डेथ डेथ हो गई है ठीक है तो जिस वजह से जो आपका जापान है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो ये वाला पार्ट है ना ये कि कौन सी कंट्री ने डिफीट किया था तो जापान ने ना एक बहुत बड़ी कंट्री को डिफ़ीट कर दिया था कि उससे पहले ना एक वाइट मैन सुप्रीमेसी चलती थी कि ये बोला जाता कि, था, था कि जो गोरे लोग हैं ना वो सुप्रीम है उनको हराना बहुत मुश्किल है तो जब एक छोटी सी कंट्री जापान की ठीक है इसने एक इतनी बड़ी कंट्री को हरा दिया ना तो उसके बाद जो ये सुप्रीमेसी थी ना ये जो आ, उन्होंने भ्रम फैलाया हुआ था ये धीरे धीरे मिट मिटने लगा तो उसके बाद आप देखोगे कि किस तरीके से रेवोल्यूशनरीज़ आके ना आ, मतलब रेडिकल वेज अपनाते हैं ठीक है तो वो जो कंट्री थी वो थी रशिया ठीक है जापान ने रशिया को हरा दिया था अब देखो कितना छोटा जापान है और कंपैरिजन में उसके रशिया देखो और उस टाइम पे रशिया सिर्फ उतना नहीं होता था रशिया होता था पूरा यूएसएसआर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग द द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वेलोसिटी ठीक है इन चारों में से किसकी वेलोसिटी हाईएस्ट होती है तो वो होती है टॉर्टो की नेक्स्ट जॉइंट जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय तो ये चेयर की जाती है स्पीकर ऑफ लोकसभा ठीक है नेक्स्ट काला आज इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है तो इसकी ना मैं कल ही वीडियो बना के हटाऊं इसके ऊपर नैरोबी फ्लाई के ऊपर ठीक है तो उसमें हमने देखा था कि वो स्किन इरिटेशन कॉज करती है ठीक है तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने यहां पे बनाया है कि फॉलोइंग तो इट ट्रांसमिटेड बाय तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नाडेस ठीक है तो जो इसके ऑथर है वो है राहुल रामागुंडम नेक्स्ट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अनवेल्ड 30 फीट टॉल ब्रॉन्स स्टैचू ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू ठीक है तो आ, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनानी है तो आ, ये जो आ, इसके हीरो थे ये रंपार रेबेलियन के ठीक है जो 1922 में हुआ था तो इसके ऊपर रंपार रेबेलियन के ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि जनरली Uh, ये जो ड्यूरेशन uh, होती है ना ये जितना आपका हिस्ट्री का सिलेबस मेंशन होता है उसमें ये दिया हुआ होता है ठीक है ये ड्यूरेशन उसी के अंदर कवर होती है तो जब हम अपनी हिस्ट्री करेंगे ना तब हम रंपा रिबेलियन भी अच्छे से कवर करेंगे और इन केस मान लो मैं भूल ना तो आप मुझे याद दिला देना कि आपने रंपा रिबेलियन भी कवर करवाना है ठीक है तो राइट right ऑप्शन है इसका बी रंपा रिबिलियन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट हैज़ बिन हैज बिन लॉन्च पैन इंडिया टू टैकल पिंक बॉल बॉल वॉम इन कॉटन ठीक है तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फोर्टी का वो है प्रोजेक्ट बंधन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू हाउ मच अमाउंट है इन द फॉर्म ऑफ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट तो इसके ऊपर भी हम अपनी जो वीडियो है वो बनाएंगे तो ये जो अमाउंट है वो है रुपीज टेन लैख नेक्स्ट देखते हैं काई चटनी विच इज़ प्रपेयर्ड फ्रॉम द वीवर एंड वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इट इज़ मेनली फाउंड इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट्स तो ये जो काई चटनी है ये फेमस है उड़ीसा की तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी उड़ीसा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज द रिपोर्ट आल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी टू प्लास्टिक एंड देयर एप्लीकेशन तो ये वाली भी रिपोर्ट है ये भी नीति आयोग ने निकाली है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिसेंटली द हेल्थ अथॉरिटीज़ इन केरला हैव कन्फर्म द आउटब्रेक्स ऑफ एंथ्रैक्स इन आथिया पिल्ली ऑफ थिरासोर डिस्ट्रिक्ट इट इज़ कॉज बाय विच ऑफ़ द फॉलोइंग तो इसके ऊपर तो हमने वीडियो बनाई थी अपनी एंथ्रैक्स वाली वीडियो तो ये कॉज होती है बैक्टीरिया की वजह से रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ पोर्टल कॉल्ड परीक्षा संगम टू स्ट्रीमलाइन एग्जामिनेशन रिजल्ट सैम्पल पेपर्स एंड अदर डिटेल्स इन अ सिंगल विंडो ठीक है तो ये जो लॉन्च किया गया है ये पोर्टल ये किया गया है काउंसिल ऑफ इंडियन इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सी आई एस सी ई नेक्स्ट क्वेश्चन द जी ट्वेंटी फॉरन मिनिस्टर्स मीटिंग जी ट्वेंटी एफ डबल एम विल बी हेल्ड इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज ठीक है तो ये जो मीटिंग होगी ये वैसे तो हो चुकी है ये मीटिंग ये हुई है इंडोनेशिया में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

ओ ठीक है इन पे रिपोर्ट इशू करनी है तो इससे ये जो ये जो था आपका कमीशन था ये न्यूज़ में था ठीक है तो इससे रिलेटेड जितना भी आपका ये जो बनता है स्टैटिक पार्ट ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है ठीक है तो ये जो सेटअप किया गया था ये किया गया था आर्टिकल 340 के अंदर ठीक है तो इस तरीके से आपको जो आपका करंट होता है उसको स्टैटिक से लिंक करना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ ठीक है ये बुक है ये किसके बारे में लिखी गई है ठीक है तो एक ऑप्शन uh, है एम एस धोनी सेकेंड ऑप्शन है रमेश बाबू थर्ड ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद फोर्थ है माइकल जॉर्डन ठीक है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव किल्ड मिलियंस ऑफ हनियन हनी बीज टू स्टॉप अ कैटस्ट्रॉफिक पैरासाइट प्लेग नेम्ड वरोआ माइट तो ये जो इंसिडेंट uh, हुआ है ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है सी ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी रिसेंटली देर वॉज अ डिमांड टू डिक्लेयर मानगढ़ हिल टॉप इन राजस्थान एज नेशनल मॉन्यूमेंट टू ऑनर द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग कम्युनिटी तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी भील तो इसी के साथ जो आज की हमारी क्लास है वो फिनिश होती है और इसी तरीके से uh, हम जो अपने करंट अफेयर्स हैं वो uh, थोड़े थोड़े टाइम बाद लाते रहेंगे uh, जो ये वाले करंट अफेयर्स हैं ना ये सारे जो हमारा जो जुलाई मंथ का जो मैगजीन होगा उसमें भी ये करंट अफेयर्स के जो ये वाले क्वेश्चन है वो डाल दिए जाएंगे अलॉन्ग विद देयर आंसर की और उसके अलावा एक आपका टेस्ट और होगा इसी मंथ आपके करंट अफेयर्स का ही तो उसके क्वेश्चंस भी उसी के साथ डाल दिए जाएंगे और उसके अलावा दो एक या दो या मे बी तीन आपके और टेस्ट हम डाल देंगे ठीक है इसमें जुलाई के आपके करंट अफेयर्स में तो टोटल आपके जो करंट अफेयर्स हैं उसके चार से पांच जो टेस्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे सिर्फ जुलाई मंथ के ठीक है इसी तरीके से जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता आपसे ये जो करंट अफेयर्स हैं जो भी हमारा एडिशन आया करेगा जिस मंथ भी मतलब हर मंथ ही आएगा जब भी उसका एडिशन आया करेगा तो उसके साथ ही हम जो इसके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हुआ करेंगे वो डाल दिया करेंगे और उसके अलावा आपने जो पिछला हुआ पिछला वाला जो हमारा करंट अफेयर का एडिशन है उसमें आपने देख ही लिया होगा कि उसमें ऐसा सच आपको कोई खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमने उसकी कलर कोडिंग कर दी हुई है कि कौन सा जो करंट अफेयर है कौन से टॉपिक से रिलेटेड है ठीक है तो अगर तो वो इकनॉमी से रिलेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कलर कोडिंग कर दी हुई है ठीक है इकनॉमी वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी कलर कोडिंग सेम कर दी हुई है स्टार्टिंग में हमने अपना एक कवर बना दिया है जिस पर शो कर दिया है कि कौन सी कलर कोडिंग कौन से करंट अफेयर्स को रिप्रेजेंट करती है उसके अलावा जो उनकी करंट अफेयर की हेडिंग है उसमें हमने जो अपना जो यूट्यूब लिंक है उसको ऐड कर दिया हुआ है ठीक है मान लो अगर आप इसके सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही देखते हो ठीक है जैसे हमारा फर्स्ट करंट अफेयर था आज का फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वो किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो राइट right टू ये था एबॉशन था इसको वो कर दिया है फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा है ठीक है तो जो कुछ स्टेट्स हैं उसने इसको इलीगल कर दिया तो जो हमारी हेडिंग होगी ना इसकी उसमें जो हमने यूट्यूब में जब जहाँ पे डिस्कस किया होगा उस डिस्कशन का जो लिंक होगा ना वो उस हेडिंग के साथ हम अटैच कर देंगे तो आपको करना कुछ नहीं है आपको बस जब आप इसकी सॉफ्ट कॉपी खोलोगे अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आपको बस हेडिंग पे डबल क्लिक कर देना है ठीक है अगर मोबाइल पे खोल रहे हो तो सिंगल टैप कर देना सिंगल या डबल टैप कर देना और अगर आपने लैपटॉप खोल खोलिए तो उस पर सिंगल क्लिक या डबल क्लिक कर देना तो जो आपको जो आ, आपका इंटरफेस होगा वो डायरेक्टली यूट्यूब की उस पर्टिकुलर वीडियो पे ले जाएगा ठीक है तो आज की जो हमारे टेस्ट की डिस्कशन थी वो यहीं तक थी इसके और टेस्ट आते रहेंगे और इन टेस्ट में इनरोल रोल करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो उसके अलावा हम जो आ, अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आ, अपना नंबर मेंशन कर देंगे और उसके अलावा जो आपका टेस्ट है उस पर भी आपका नंबर आ, हमारा जो नंबर है अकेडमी का वो शो हो रहा होगा तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी थैंक यू सो मच